एस्ट्रो लवर्स शिमारू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। आप सभी को पंचोदीपोत्सव यानी धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और लाभ पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन में खूब सारी खुशियां, खूब सारा प्यार, खूब सारी तरक्की दे। अब बात करते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है, साथ ही साथ धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदें और किन चीजों को ना खरीदें, ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको जो भी मैं चीजें बताऊंगा वो पूरी तरह से प्रकृति के नियम के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहली चीज, धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे बर्तनों को खरीदने की क्या वैज्ञानिकता है, क्या प्रामाणिकता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, आज के दिन यानी धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के द्वारा भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। तांबे का पीतल का बर्तन था जिसके अंदर अमृत था। अमृत क्या है? अमृत आपको जीवन जीने की ताकत देता है, आपके शरीर को मजबूत रहने की ताकत देता है, आपका मन बहुत मजबूत होता है, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर किसी भी तरह से वैचारिक रूप से आप बीमार होते हैं तो आपको अमृत तुल्य या तो वचन अच्छे करते हैं या दवाई अच्छी लगती है या किसी डॉक्टर या हकीम के हाथों में शफा होती है तो उसके पास बैठने से भी आप ठीक हो जाते हैं। इसीलिए अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के द्वारा निकले थे और पीतल का बर्तन इसीलिए आज के दिन खरीदने को कहा जाता है। केतु ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और केतु होती है आपकी शुभ वाणी। शुभ वाणी मीन्स आप दूसरों का दिल जीतने की क्षमता रखेंगे तो आपका व्यापार और आपकी नौकरी भी अच्छी चलेगी और आपकी शुभ वाणी यानी अच्छी वाणी के ही द्वारा आप दूसरों से बद्दुआएं लेने से बच जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां, हमें 95% बीमारियां बद्दुआओं से, गलत बोलने की वजह से या गलत व्यवहार की वजह से मिलती है। इसीलिए केतु पीतल है, भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं और साथ ही साथ वह अमृत लेकर के निकले, यानी आपकी जुबान से जितना अमृत निकलेगा आप उतना अमर होंगे। इसीलिए आज के दिन जो पूजा का महत्व है उसका यही है कि आप अपने मुंह को जब भी खोलेंगे अमृत तुल्य ही बात करेंगे ताकि दूसरों का जीवन सार्थक हो जाए, सुखी हो जाए, महत्वपूर्ण हो जाए। इसीलिए धनतेरस की पूजा पर पीतल का बर्तन ही खरीदें, स्टील ना खरीदें। किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए? स्टील ना खरीदें, यह हमारे शास्त्र में नहीं आता। आपको लोहा, लकड़ी, चमड़ा और मशीनरी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये प्रकृति को नकारात्मक रूप देते हैं, ये नकारात्मक तरीके से तैयार किया जाता है आपके और हमारे इस्तेमाल के लिए। जीव जंतुओं की आप सेवा यदि करते हैं, उनके जीवन का ध्यान रखते हैं तो प्रकृति आपका ध्यान रखती है। इसीलिए लोहा, लकड़ी, चमड़ा, मशीनरी आज के दिन और स्टील का बर्तन, इनको खरीदने से जितना आप बच सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। चाहे आपके लिए पंचांग में कितनी भी शुभ मुहूर्त क्यों ना निकले हो, चाहे जितना भी आपके लिए अच्छा समय क्यों ना निकला हो, आज के दिन गाड़ी बुक ना करवाएं। जमीन यदि आप अपनी बुक कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, यदि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी को पैसा देते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज के दिन आप कोई अपना नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे व्यापार वही चलता है जो प्रकृति के नियमों के साथ हो। इसीलिए व्यापार के लिए अच्छा समय है, जमीन जायदाद के लिए अच्छा समय है और आज के दिन पीतल का बर्तन, सोना चांदी खरीदने के लिए शुभ समय है, लेकिन लोहा, लकड़ी, चमड़ा और किसी भी प्रकार की मशीनरी खरीदने के लिए शुभ समय नहीं है।
किसी भी तरह का केमिकल भी आज के दिन खरीदने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। थैंक यू। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स। पूरे वीडियो देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो ऐप, अमेज़न फायर स्टिक पर डाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो ऐप, एयरटेल डीटीएच पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और डीटीएच पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया चैनल।